हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय फूड ब्लॉग। आज हम अपने किचन में, मेरे किचन में बनने वाला है कॉर्न पकौड़ा। लेकिन आज के फूड ब्लॉग में पकौड़ा मैं नहीं बनाने वाला हूँ, पकौड़ा बनाने वाले हैं हमारी वाइफ नीलम सिंह। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज की कुक यही हैं, लेकिन सब मुझसे अच्छी कुक ये हैं, लेकिन एक ब्लॉग बनाती नहीं, लेकिन आज इन्होंने अपना ब्लॉग बनाने का सोचा है। तो आज पहला ब्लॉग में ये आपको कॉर्न पकौड़ा बना के दिखाएंगी, कॉर्न पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं कॉर्न पकौड़ा। अभी आगे की चीज़ें आपको ये मिस नीलम सिंह बताएंगी। सात आठ कली इसको क्रश करेंगे थोड़ा से। भुट्टा भी डालूंगी, कॉर्न इसको भी डाल के क्रश करेंगे। इसको ज्यादा पीसना है या कम? सिर्फ टुकड़े हो जाएं, इसको इतना पीसना है इसके टुकड़े हो जाएं। छोटा बस। ओके। भुट्टा को क्रश करेंगे। अभी इसको क्रश हो गया पूरा, तो इसमें डालेंगे इसको। फोम को इन्होंने चॉप कर लिया है, थोड़ा क्रश करके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं फोम। फिर और आप क्या मिक्स करने वाले इसमें? प्याज डालेंगे। ये अच्छा काट के रखा है, ये प्याज बड़ा होगा बड़े साइज का। और ये क्या है? मेथी भी मेथी भी मिक्स करेंगे। ओके। मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके। और ये धनिया, हरी धनिया। ओके। लाल मिर्ची। ओके। ये कौन सा नमक है? ये तो सेंधा नमक है। अच्छा, ये सेंधा नमक है। ओके। स्वाद अनुसार नमक है। ओके। किचन किंग मसाला या गरम मसाले नहीं चलेगा? नहीं, किचन किंग है। किचन किंग अच्छा होता है। ओके। तो आप लोगों को इसमें किचन किंग थोड़ा सा मिला सकते हैं स्वाद के लिए। राइस का आटा ये। ओके। राइस फ्लोर, चावल का आटा है, चार चम्मच चावल का आटा मिलाइए। तो इससे ये क्रिस्पी हो जाता होगा, इससे ये कड़क हो जाएगा, थोड़ा कुरकुरा पन क्रिस्पी होगा। इसको मिलाएंगे। बोलो, इसमें बेसन मिलाना है? बेसन नहीं मिलाना है। ओके। चावल के आटा से क्रिस्पी भी होगा ना। ओके। बाइंडिंग भी हो जाएगी दोनों। ओके। तो इसमें बेसन नहीं मिलाना है आप लोगों को। इसमें कॉर्न और हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, हरी धनिया और हरा मेथी के पत्ते, और फिर नमक स्वाद अनुसार अपने डालिए, किचन किंग और हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, ये आपको इसमें मिलाना है। ये
और इसको प्रॉपर एकदम से मिक्स करना है आपस में। कॉर्न को आप जो मक्का होता है उसको आप मिक्सी में टुकड़ा कर लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गीला हो जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो प्रॉपर वो फ्राई करने के टाइम पे वो क्रिस्पी हो जाएगा। और इसको चावल के आटे में इसीलिए बनाया जाता है कि ये क्रिस्पी होगा, खाने में कुरकुरापन होगा और टेस्टी होगा। गैस जला लिए हमने, इसमें रिफाइंड डालेंगे, इसमें रिफाइंड डाल रही हैं। ओके, रिफाइंड ऑयल डीप फ्राई करने के लिए ऑयल का प्रयोग करना है। तो कॉर्न पकौड़ा बनने जा रहा है, साथ में चाय भी बॉयल हो रही है, अदरक वाली चाय एकदम टेस्टी। तो आज शाम की हाई टी में हमारे यहाँ कॉर्न पकौड़ा और चाय है। देखिए ये बनने के बाद इसके करामात, खाने वाले हमारे 3-4 लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। तेल गर्म हो गया आपका? तेल गर्म हो गया, इसमें पकौड़ा डालते हैं, छोटे छोटे गोली बना करके आपको डालना है। दोस्तों आपको दिख रहे हैं, इसको छोटे छोटे गोली बना के डालना है, ज़्यादा टूटे नहीं, इसे थोड़ा दबा देना है उसको। तो आज का कॉर्न पकौड़ा स्पेशल, नीलम स्पेशल कॉर्न पकौड़ा आज पेश किया जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, शुरू में गैस को तेज रखना, तो थोड़ा रेड होने लगे तो फिर उसके बाद स्लो कर देना, फिर अंदर से पक जाएगा अच्छे से, क्रिस्पी भी होगा। पकौड़ा रेड हो गया है, इसको निकाल लेते हैं, एक टिश्यू पेपर लाओ थोड़ा। पकौड़ा मेरा हो गया है रेड, खाने वाले भी तैयार हैं। खाने वाले तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं। क्रिस्पी पकौड़ा रेड, क्रिस्पी पकौड़ा कॉर्न मेथी पकौड़ा तैयार हो गया है। एक ग्रीन चटनी और मेयोनीज सॉस इसके साथ में खाओ, बहुत ही अच्छा लगेगा, खा के देखना, बना के टेस्टी लगता है भाई, बोलना। जरूर जरूर बताएंगे हम लोग भाई। सो गाइस देखिए, ये कॉर्न पकौड़ा रेडी हो गया है। मिस नीलम ने काफ़ी अच्छा ये कॉर्न और मेथी का पकौड़ा रेडी किया, इसके साथ ये मेयोनीज सॉस और ग्रीन चटनी है। आप टोमेटो केचप से भी इसको खा सकते हैं, टोमेटो केचप से भी खाइए और अचार से भी आप इसको खा सकते हैं, अगर मैंगो पिकल है या नींबू का अचार है तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। सो गाइस पकौड़ा रेडी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।